मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं अब इसका कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें किस तरह से निकालना है। तो हमने कंसीडर कर लिया एट टाइम टी द मास ऑफ रॉकेट इज डिफाइंड बाय एम एंड वेलोसिटी इज वी। टी टाइम पे हमने क्या डिफाइन किया है, इनिशियल स्टेट पे कि जो वेलोसिटी है वो वी है और मास क्या है एम है। आफ्टर डेल्टी टाइम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन होगी, फ्यूल यहाँ पे बर्न होगा, गैसेस की फॉर्मेशन में बाहर निकलेगा। तो आफ्टर डेल्टी टाइम यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शंस की वजह से हॉट गैसेस बाहर निकल रही है और उसका मास क्या है डेलम, और यू वेलोसिटी से वो गैसेस बाहर निकल रही है। जैसे ही गैसेस बाहर निकलेगी तो मास क्या हो जाएगा रॉकेट का कम हो जाएगा, तो यहाँ मास क्या रहेगा एम माइनस डेलम, और जैसे जैसे गैसेस बाहर निकलती जाएगी मोमेंटम इसको मिलता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी हमने क्या डिफाइन की है v plus del v। ओके, इनिशियल टाइम पे तो m and v है, आफ्टर डेल्टी टाइम ड्यू टू बर्न यहां पे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन की वजह से बर्न होगा फ्यूल, फ्यूल बर्न होगा गैसेस बाहर निकलेगी, उसका मास हमने डेलम डिफाइन कर दिया, u वेलोसिटी से गैसेस बाहर निकल रही है। ओके, और जैसे बाहर निकल गया तो मास डिक्रीज हो गया तो m माइनस डेलम रॉकेट का मास रह गया एंड द वेलोसिटी विल बी v plus del v। तो पहले इसको लिख लीजिए। ओके, लेट एट अ पॉइंट t मास ऑफ रॉकेट इज m एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय v। आफ्टर डेल्टी टाइम डेलम मास कम्स आउट फ्रॉम द रॉकेट ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, जस्ट सिंपल। आफ्टर डेल्टी टाइम डेलम मास कम्स आउट फ्रॉम द रॉकेट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है विद यू वेलोसिटी और हमने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। ड्यू टू विच द मास ऑफ रॉकेट बिकम एम माइनस डेलम, जैसे ही गैसेस बाहर निकलती है तो इसका मास क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। अब देखो इट्स बेस्ड ऑन न्यूटन सेकेंड रूल, न्यूटन सेकेंड रूल क्या होता है एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो कर दूं मैं इसको इरेज। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, यहीं पे देखो एक बार, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं ये भी इरेज कर रही हूँ। देखो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करो, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी बाय डी टी। डी पी है क्या, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये किसके बराबर होता है फोर्स के बराबर होता है। पी पी डी पी इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस ई पी इनिशियल। पी इनिशियल की हम बात करें तो वो क्या है एम वी, पी फाइनल की यदि हम बात करें पी फाइनल मास डिक्रीज हुआ था वहां पे और वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी और फ्यूल गैसेस की फॉर्मेशन में बाहर निकल रहा था इट मीन डेलम और उसकी वेलोसिटी हमने यू डिफाइन की थी, यही था ना, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन। कर दे पुट वैल्यू, करो यहाँ पे तो एफ एक्सटर्नल आपके पास कितना आ रहा है डी पी चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल एम माइनस डेल एम वी प्लस डेल वी प्लस यू डेलम माइनस इनिशियल एम वी इज डिवाइड बाय डी टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी कितना था, टी फाइनल हम लेके चल रहे थे टी प्लस डेल टी, इनिशियल आप कितना लेके चल रहे थे टी लेके चल रहे थे। करो उसको सिंप्लीफाई, एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो एम वी प्लस एम डेल वी, ठीक है, माइनस का डेल एम वी और माइनस प्लस माइनस डेल एम डेल वी। कोई डाउट है क्या, जो सिंपल प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं, माइनस एम वी इज डिवाइड बाय टी प्लस डेल टी माइनस का टी, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। एफ एक्सटर्नल आपके पास कितना आ रहा है, देखो एम वी से एम वी कैंसिल और टी से टी कैंसिल, एंड द रिमेनिंग टर्म इज डेल वी माइनस डेल एम वी माइनस डेल एम डेल वी प्लस यू डेल एम इज डिवाइड बाय डेल टी, ठीक है। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन इफ टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे जो बर्निंग टाइम है वो बहुत कम है तो यहाँ पे जो मास है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, मास विल बी कंटिन्यूअसली डिक्रीज, मास विल बी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। देखो हम यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यदि टाइम आप बहुत कम लोगे, टाइम बहुत कम लोगे तो मास की वैल्यू बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगी ना, कंटिन्यूअस डिक्रीज हो जाएगी। यदि कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रही है तो वी अप्लाई हियर डेल वी बाय डेल टी, डेल वी बाय डेल टी हम इसको लिख सकते हैं कंटिन्यूअस के लिए, इसको पार्शियल को हम डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डेल एम बाय डेल टी आप इसको क्या लिख सकते हो, डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअस तो माइनस का डी एम बाय डी टी एंड द डेल वी टेंस टू जीरो, ठीक है। इस तरह से हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। यदि हम ये कंडीशन अप्लाई करें तो इसके बाद देखो आप इसको क्या लिखोगे, एफ एक्सटर्नल को एफ एक्सटर्नल विल बी एम एम डेल वी बाय डेल टी को हम क्या लिख रहे हैं डी वी बाय डी टी, ठीक है, माइनस माइनस
डेलम बाई डेल टी, डेलम बाई डेल टी को आप क्या लिख सकते हो, डीएम बाई डी टी, तो प्लस का डीएम बाई डी टी, ओके प्लस, और इसके साथ क्या है वी माइनस डेलम डेल वी, डेल वी आप जीरो लेके चल रहे हो तो दिस टाइम विल बी जीरो, ओके प्लस प्लस यू यू, डेलम बाई डेल टी, डेलम बाई डेल टी को आप माइनस का डीएम बाई डी टी लिख सकते हो, ओके आफ्टर अप्लाइंग द कंडीशन टी टेंस टू जीरो, ठीक है समझ आया आपको। नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस, अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यदि हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि स्मॉल एम ही लेके चलना, कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको, एक ही लेके चल रहे हैं हम स्मॉल एम, ठीक है इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ऑफ एक्सटर्नल यहाँ पे क्या बन रहा है, एम डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी वी माइनस का यू डी एम बाई डी टी, और ये टर्म किस चीज को शो कर रही है, डीएम बाई डी टी चेंज इन मास, तभी तो बोल रहे हो ना द रॉकेट इज सिस्टम ऑफ वेयरिंग मास, आप क्यों बोल पा रहे हो, देख लो आपके सामने है चेंज इन मास को शो कर रहा है, डीएम बाई डी टी को शो कर रहा है, ओके नाउ एफ एक्सटर्नल की बात करते हैं यहाँ पे, तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पे टू टाइप से लगता है, द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सेकेंड इज एयर फ्रिक्शनल, मैं आपको रबली बोल के बता रही हूँ, एफ एक्सटर्नल यहाँ पे टू टाइप से लगता है, द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द सेकेंड इज एयर फ्रिक्शनल फोर्स, बट द वैल्यू ऑफ एयर फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरी लेस कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स वाई हम यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल है वो केवल कंसिडर करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को ही, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या है, एम जी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्ट होता है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, एम डी वी बाई डी टी इसको इधर लेके आओगे तो यहाँ पे टर्म क्या बनेगी, देखो इसको यही रहने दो, इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आओ, तो एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल यदि ये टर्म्स इधर आएगी तो ये माइनस वाली प्लस यू डी एम बाई डी टी, ओके okay, और ये वाली टर्म प्लस में है, इधर लेके आओगे तो माइनस का वी डी एम बाई डी टी, ठीक है अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ हमें तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली, ये स्मॉल एम ही है, ठीक है डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इजीली टर्म यू माइनस का वी डी एम बाई डी टी, इसे हम बोलते हैं यू आर, U माइनस वी को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं UR से, एंड UR यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, लिख लो अच्छे से इसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेटेड मास विद रेस्पेक्ट टू सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसको मैं सेपरेटली लिख सकती हूँ ना, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ यू आर, तो आप भी लिख लो एम डी वी बाई डी टी प्लस इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल क्या था लिख लेना अभी, चलो आगे करते हैं, पहले सिंपल टर्म बना लेते हैं, प्लस यू आर डी एम बाई डी टी, कोई दिक्कत है क्या, तो एफ एक्सटर्नल को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एम जी माइनस का एम जी, वाई बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, यू आर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेटेड मास, तो सेपरेटेड मास भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो यू कैन से यू आर डी एम बाय डी टी, मास की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, आप ऐसे समझ सकते हो मास की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो मास किस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, नीचे की ओर डिक्रीज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको माइनस साइन की फॉर्मेशन में लिया है। टारगेट क्या था, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, आपके पास सिंपल इक्वेशन आ चुकी है, ये रही, कर लेते हैं पहले m को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, देखना एक बार, dv by dt इक्वल टू m से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, माइनस का g, m से m कैंसिल, माइनस u इसके u r 1 by m dm by dt, ठीक है v कैलकुलेट करना है हमें तो यहाँ पे, तो dt को भी इधर ले आओ, तो dv इक्वल टू कितना होगा, माइनस का g dt, ठीक है माइनस u r 1 बाय एम डी एम डी टी है मल्टीप्लाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल एंड द रिमेनिंग टर्म इज माइनस का जी डी टी माइनस यू आर 1 बाय एम डी एम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, सिंपल मैथमेटिकल प्रोसेस है, क्या करें भी कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे v माइनस t के रेस्पेक्ट में, तो माइनस का जी टी माइनस का यू आर 1 बाय एम इज log a m, और प्लस
C is integrating constant. Okay? So now T tends to zero. Condition apply कर देते हैं. If T tends to zero, initial velocity is defined by V naught and mass of rocket is defined by F naught. Apply करो. तो यहाँ पे the value of C कितना आएगा? V, V naught. T zero है तो ये तो zero हो गया. Minus का U R log E. M को आप क्या put करोगे? M naught plus का C. And the value of C will be V naught plus U R log E M naught. This is equation 1 and 2. 2 से 1 में यदि आप put करोगे तो V equal to minus का GT minus का U R log E M. ठीक है, log E M. C की वैल्यू put करो plus V naught plus U R log M naught. ठीक है, मैथमेटिकल सिंपल, हमने एक्सप्रेशन इसको सिंप्लीफाई किया है. आगे देखो, V इक्वल टू माइनस का जी टी, ठीक है, प्लस का V नोट लिख सकती हूँ मैं, प्लस यू आर. देखो यहाँ पे दोनों में से हमने यू आर कॉमन लिया, द रिमेनिंग टर्म इज लॉग M नोट माइनस लॉग M. ओके, तो V इक्वल टू माइनस का जी टी प्लस का V नोट प्लस यू आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग M नोट बाय F. This expression of velocity of rocket. हमने velocity of rocket यहाँ पे calculate कर लिया है. Velocity का expression हमारे पास निकल के आ गया. यदि हम T की बात करें तो T है क्या यहाँ पे? Fuel को burn होने में जो time लग रहा है, तो T यहाँ पे जितना ज़्यादा कम होगा, gravitational force का effect यहाँ उतना ही कम होगा. तो यदि हम T फोर, यदि टी की बात करें कि टी यहाँ पे क्या है? वेरी लेस. हम यहाँ पे टाइम बहुत कम लेके चल रहे हैं, तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगेटिव कर सकते हैं. देन वी इक्वल टू वी नोट प्लस यू आर लॉग एम नोट बाय एम. तो जनरली वेलोसिटी की हम बात करें, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट्स डिपेंड्स ऑन वी नोट एंड द रेशियो ऑफ एम नोट बाय एम. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है. इफ इनिशियल वेलोसिटी हम डिफाइन करें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है, वी नोट टेंस टू जीरो, देन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विल बी यू आर लॉग एम नोट बाय एम. तो यू आर यहाँ पे है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेटेड मास, जो सेपरेटेड मास है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी पे. तो इट्स ओवरऑल डिपेंड्स ऑन एम नोट बाय एम एंड रिलेटिव वेलोसिटी. ये रहा फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन. थैंक यू.